घर के चिराग से कराची में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। लड़की ने दोस्त से मिलकर अपनी बहन और भाभी की जान ले ली। दोनों की गला कटी लाशें घर से बरामद। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दरीना दुश्मनी ने एक और घर निगल लिया। गुजरात में पूरा खानदान ही खत्म। मुलजिमों ने मियां बीवी और तीन बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में रेंजर्स की आम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां। तीन दहशतगर्द धर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक लियारी गैंगवार से है। पहले सबूत इकट्ठे करें फिर दरख्वास्त देने आए। वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ शेख रशीद का रेफरेंस फारिग। स्पीकर अयाज सादिक ने नाकाफी सबूतों के बाद रेफरेंस मुस्तरद किया। शेख रशीद कहते हैं ये सब एक ही सिक्के के दो रुख है। मुल्क में जमहूरियत का कोई वजूद नहीं। लाहौर में NFC अवार्ड इजलास। मुराद अली शाह भी शरीक। वजीर आला सिंध ने लाहौर पहुंचकर दाता दरबार पर हाजिरी दी। गवर्नर हाउस आमद पर रफीक रजवाना ने मुराद अली शाह का इस्तकबाल किया। सुनामी ने लाहौर के बाद कराची का रुख कर लिया। इमरान खान आज शहर कायद पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ कल जलसा करेगी। नश्त पाक में सियासी शोक की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। चार मैचों में नाकामी का हार पहनने वाले शाहीनों ने जीत को गले लगा ही लिया। सरफराज और शुएब ने टीम को क्लीन स्वीप से बचा लिया। जहां का सबक है तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिद। शहीदों की जमी है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। कराची से खैबर तक यौम दिफा शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पिशावर में पाक अफवाज की फुल ड्रेस रिहर्सल। यादगार शहदा पर 6 सितंबर की मरकजी तकरीब सजेगी। भारतीय मीडिया को 92 न्यूज का करारा जवाब। जान ले नो सॉरी। भारतीय मीडिया ने जो घटिया हरकत की और पाकिस्तान के अदारों और सालमियत को निशाना बनाया इसका जवाब देना हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का फर्ज है। भारत ने हमेशा घटियापन का मुजाहरा किया। इस घमंड में होता है कि शायद उसको इसका जवाब नहीं मिल पाएगा लेकिन हम जवाब देना जानते हैं। फहद मलिक कत्ल केस। मुलजिम राजा अरशद और नौमान खोकर की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी। अदालत का मुलजिमान को 9 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। AIG इस्लामाबाद अशर हमीद की मौत का मामला। 92 न्यूज के प्रोग्राम अंधेर नगरी ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तजादात। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने आला तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालिबा कर दिया। सानहे मर्दान पर सिंध हाई कोर्ट समेत मातहत अदालतों में आज भी हड़ताल। वकला एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं हुए। सिंध हाई कोर्ट ने बार काउंसिल की अपील पर तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी। और जान बची 100 लाखों पाए। न्यूजीलैंड में नौजवान चर्च से ऐसा सिरका कि बेचारे को जान के लाले पड़ गए। मुकामी लोगों ने बड़ी चादर बिछा दी और गिरने से बचा लिया।